दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राज कुंद्रा गंदी फिल्मों के मामले में जेल में बंद हैं और एक बार फिर उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। वहीं शमिता शेट्टी राज के गिरफ्तार होने के बाद हमें कई बार पब्लिकली नजर आ चुकी हैं और इन दिनों वो बिग बॉस के घर में पहुंची हैं। अपनी बहन और जीजू के काले कारनामों को खूब भुना रही है शमिता शेट्टी, खूब पब्लिसिटी बटोर रही है। वहीं अब खबर आ रही है कि शमिता के बाद अब शिल्पा शेट्टी भी जल्दी कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद अपना पहला पब्लिक अपीयरेंस देने जा रही हैं। एक तरफ उन पर फ्रॉड के केसेस फाइल हो रहे हैं तो दूसरी तरफ शिल्पा शेट्टी एक कोविड रिलीफ फंड रेजर इवेंट का हिस्सा बनने जा रही हैं, अपनी इमेज सुधारने की उम्मीद में। हालांकि अब हम सब इनकी सच्चाई जान चुके हैं तो इनके इस तरह के नाटक का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। आपको बता दें कि इस इवेंट में कई बॉलीवुड सेलेब्स हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिसमें करण जौहर, अर्जुन कपूर, एआर रहमान, राहुल बोस और शिल्पा शेट्टी जैसे तमाम बॉलीवुड स्टार्स हिस्सा लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये इवेंट 15 अगस्त को लाइव स्ट्रीम होगा। वहीं इस खबर के सामने आते ही शिल्पा शेट्टी एक बार फिर ट्रोल हो रही हैं। लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक तरफ आप लोगों को डरा धमका कर पैसे वसूली करती हैं और इस काम में आपकी माँ भी आपका साथ देती हैं, लोगों को खुद फोन कॉल्स कर डराती धमकाती हैं, 5 करोड़ की धोखाधड़ी के केस में आप कभी भी अरेस्ट हो सकती हैं, आपके पति ऑलरेडी गंदी फिल्मों के मामले में जेल में बंद हैं और रोज उन पर एक के बाद एक बेहद घिनौने और शर्मनाक खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप इस तरह का नाटक कर क्या साबित करना चाहती हैं? आप चाहे जितनी कोशिश कर लें शिल्पा जी, अब लोग आप पर कभी भी विश्वास नहीं करने वाले और ना ही आपकी ब्रांड वैल्यू ही सुधरने वाली है। आपने और आपके पति ने कई मासूम भोली भाली लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी उन्हें एक्सप्लॉइट करके। आपके और आपके पति की घिनौनी हरकतें लोग कभी नहीं भूलेंगे और ना ही आपको भूलने देंगे। इसीलिए आप चुपचाप घर पर ही बैठकर सुपर से ऊपर वाली शाबाशी अपने पति को देते रहिए, जिनका हर दिन एक नया काला कारनामा सामने आ रहा है, और इंतजार करिए उस दिन का जब आप पर भी एक्शन लिया जाएगा, आपकी माँ पर भी एक्शन लिया जाएगा। फिर चाहे वो राज कुंद्रा का इस गंदे धंधे में साथ देने का मामला हो, डॉन हायर कर लोगों को डरा धमका कर एक्सटॉर्शन मनी निकलवाने का मामला हो या फिर धोखाधड़ी का मामला हो,